हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज जोडिस फन चैप्टर 6 क्लास एट इंग्लिश। इस कहानी में आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, एक जोड़ी नाम का एक लड़का होता है, उसके पिता और माँ बॉक्सर होती हैं। यहाँ पर फादर के एक तो डॉक्टर विल्सन होते हैं और एक इनके जो जोड़ी के फादर होते हैं उनके फ्रेंड होते हैं मेल विलियम। उनकी आपस की कन्वर्सेशन चल रही है जिसके बारे में बताया गया है कि जोड़ी के पिता को एक रेटलिस ने काट लिया है, तो जोड़ी के फादर ने उसको एक डॉग को मार लिया, उसके लीवर को और हार्ट को उन्होंने जो पॉइजन था उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ किया। मर जाता है वो डॉग और उसका फान वहीं पर रह जाता है। जोड़ी बार बार उस फान के बच्चे के बारे में सोचता है। यहाँ पर जोड़ी उसके पापा को याद दिलाता है कि आपको याद है क्या, आप उसको लाकर उसको पालन पोषण कर सकते हैं। जोड़ी के पापा कहते हैं कि हाँ, मैं मना नहीं कर सकता कि अगर हम उसको भूखे मरने के लिए छोड़ दें, उसके माँ को हमने लिया है तो हमें पालने की जिम्मेदारी है। यहाँ कहता है कि तुम अपनी माँ से परमिशन ले लो। माँ को एकदम सदमे में आ जाती है और वो कहती कि अगर तुम अपना दूध दो तो इसको तुम ला सकते हो। इधर डॉक्टर विल्सन जो होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं कि ये बालक जो जोड़ी है वो भी सही कह रहा है, इसके पापा भी सही कह रहे हैं। मील विल भी सपोर्ट करते हैं इस बात को, कहते हैं कि मैं लेकर जाऊंगा इसको और उस फन को हम लेकर आएंगे। इस तरह की कहानी है फर्स्ट पार्ट में। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट हम। तो बिफोर यू रीड में आप देखते हैं सबसे पहले जो है, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, एक छोटा सा कट लग जाए या जलने का निशान हो जाए तो डॉक्टर के पास भागने के बजाय, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स, हम पाते हैं एक तुरंत इलाज और प्रभावशाली इलाज को। थिंग्स अवेलेबल एट होम, जो हमारे घर में उपलब्ध होती है उन्हीं से हम इलाज करते हैं। कैन यू थिंक्स, क्या आप सोच सकते हैं ऑफ सच होम रेमेडी फॉर, क्या आप इसके बारे में कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में सोच सकते हैं, यदि क्या क्या हो। अ कट ऑन योर नी, यदि घुटने पर एक कट का निशान लग जाए, कट जाए। अ बर्न ऑन योर आर्म्स, आपकी बाह जल जाए। अब बी स्टिंग, यदि एक मधुमक्खी काट ले तो आप क्या क्या करेंगे। इन दिस स्टोरी जोडीज़ फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटलिस, एक इम्पोर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, 101% आपको याद करना है, पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ इस कहानी में जोड़ी के पापा को एक जहरीले सांप के द्वारा काट लिया गया है। ही क्विकली किल्ड अ डॉग, वो एक जल्दी से एक डॉग को मार लेते हैं मादा हिरनी को, एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, वो पॉइजन जहर को निकालने के लिए उसके दिल और लीवर का यूज़ करते हैं। जोड़ी वंडर, जोड़ी हैरान है, परेशान है, आश्चर्यचकित है, व्हाट हैपन विल द लिटिल फान, कि उस छोटे से मृक्षावक का क्या होगा, लेफ्ट विदाउट अ मदर, जो वह एक बिना माँ का हो गया, क्योंकि माँ को तो उसके पापा ने मार दिया है। आगे देखते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले। ड्रिफ्ट बैक टू का मतलब है गो बैक टू, वापस जाना, यानी कि विचार वापस ले जाना, किसी चीज़ को याद करना। डायलेटेड मतलब फैली हुई, एंड लास्ट अ क्लोज शेव का मतलब बाल बाल बच जाना, और नैरो स्केप्स मुश्किल से ही बच पाना, ठीक है। तो जोड़ी अलाउड हिज थॉट, जोड़ी अपने विचारों को लेकर जाता है, टू ड्रिफ्ट बैक वापस लेकर जाता है, टू द फन उस मृक्षावक के पास में लेकर जाता है, मतलब उसके बारे में सोचता है बार बार। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, इट का मतलब क्या है यहाँ पर, मृक्षावक है ना फन, आपको इट आते ही मृक्षावक का सोचना है, वह अपने दिमाग से उसे दूर नहीं रख पा रहा है। ही हेल्ड इट, उसने उसे पकड़ रखा है, इन हिज ड्रीम अपने सपनों में वो याद कर रहा है उसे, इन हिज आर्म अपने हाथों में उसने पकड़ रखा है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, से खिसक कर जाता है, एंड वेंट टू फादर्स बेड साइड, अपने पापा के बेड साइड पर जाकर बैठ जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी आराम कर रहे हैं, हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आँखें खुली हुई है, बिल्कुल साफ है, बट द प्यूपिल वर स्टिल डार्क, जो उनकी प्यूपिल्स हैं वो अभी भी डार्क हैं एंड डायलेटेड फैली हुई हैं। जोड़ी कहता है हाउ आर यू फीलिंग पापा, आपके अब कैसा महसूस कर रहे हैं। पापा कहते हैं जस्ट सेड, हाउ
आर यू फीलिंग पा जोडी सेट जस्ट फाइन सन ओल्ड डेथ हैज गोन थीविंग्स एल्सवेयर कि पुरानी जो मृत्यु है कहीं चुरा ली गई है थीव मतलब चुराना है ना थीफ से थीविंग बना हुआ है बट वाजंट इट अ क्लोज शेव क्या ये बिल्कुल बाल बाल बचना नहीं है आई एग्री मैं सहमत हूँ पेनी सेट पापा कहते आई एम प्राउड ऑफ यू मुझे आप तुम पर गर्व है जोड़ी के पापा जोड़ी के लिए बोल रहे हैं बॉय यू द वे यू कैप्ट योर माइंड जिस तरह से यू कैप्ट योर माइंड मतलब जिस तरह से आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप शांत रहे हैं अपने बच्चे से कह रहे स्टे काम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन कैप योर हेड का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में भी शांत बने रहना एंड डिड वाट वॉज नीडेड और तुमने वही किया जो ज़रूरी था ये जोड़ी के फादर जोड़ी के लिए बोल रहे हैं पा यस सन हाँ बेटा पा कहते हैं पा डू यू रिकलेक्ट रिकलेक्ट मतलब आपको याद है द डो एंड द फान वो मृग शावक और उसकी माँ मादा हिन्नी पापा क्या कह रहे हैं आई नेवर फॉरगेट देम मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता द पुअर डो सेव्ड मी दैट सटेड उस बेचारे मादा हिन्नी ने मुझे बचा लिया ये बिल्कुल पक्का है निश्चित है सत्य है द पा द फान मे बी आउट देयर येट वो मृग शावक अभी भी बाहर हो सकता है इट माइट बी हंग्री शायद वो भूखा हो सकता है एंड वेरी स्केर्ड और वो डरा हुआ हो सकता है आई सपोज सो मैं भी ऐसा मानता हूँ पापा के आई एम बिग बॉय अब मैं बड़ा हो गया हूँ बच्चा कह रहा है एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क अब मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है वाई डोंट आई गो बैक क्यों ना मैं वापस जाऊँ एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फाइन कि मैं उस मादा जो मृग शावक है उसे ढूंढ सकूँ मैं वापस जाऊँ और उसे ढूंढ लूँ एंड ब्रिंग इट हीयर और मैं उसे यहाँ लेकर आऊँ एंड रेज इट और उसका पालन पोषण करूँ पापा से परमिशन ले रहे हैं ले रहा है पे जोड़ी पा लेट क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग पापा शांत लेटे हुए हैं स्टेरिंग एट सीलिंग और छत की ओर टकटक लाकर देख रहे हैं बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन अरे लड़के तुमने तो मुझे असमंजस में डाल दिया है आई वॉन्ट टेक मच टू इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट मतलब इसे पालने में ज़्यादा नहीं पैसा नहीं लगेगा ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा ऐसा बड़े होने में और ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा पा इट सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉन्स और ये जल्दी ही पत्तियाँ खाना शुरू कर देगा और दाने खाना शुरू कर देगा जोड़ी बोल रहा है यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज तुम तो अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा बुद्धिमान हो जोड़ी के फादर कह रहे वी टुक इट्स मदर हमने इसकी माँ को लिया है एंड इट वाजंट टू ब्लेम और इसमें इसका कोई दोष नहीं है श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल और निश्चित रूप से ये कृतज्ञता होगी टू लीव इट इसे छोड़ देना टू स्टार भूखे मरने के लिए छोड़ देना हमारी कृतज्ञता होगी सो आई कांट से इसलिए मैं नहीं कह सकता नो टू यू तुमको मना नहीं कर सकता आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनादर डे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अब कल दूसरा दिन देखने के लिए जिंदा बचूँगा ये जोड़ी के फादर कह रहे हैं यहाँ पर हैम्ड इन का मतलब देख लेते हैं हम हैम्ड इन का मतलब है हियर कोट इन सिचुएशन वेयर वन कांट से नो एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता असमंजस की स्थिति दुविधा की स्थिति अकॉन का मतलब है स्मॉल ब्राउन नट्स इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ तक आई कैन आई राइड बैक विद मील व्हील क्या मैं मील व्हील के साथ जा सकता हूँ सवारी कर सकता हूँ घोड़े पर है ना राइड घोड़े पर सवारी करना सी इफ़ आई कैन फाइंड इट और देखता हूँ कि मैं इसे ढूंढ सकता हूँ टेल योर माँ अपनी माँ को कहना आई सेड यू कैन गो मैंने कहा है कि तुम जा सकते हो ही साइल्डेड बैक वह झिझकते हुए गया टू द टेबल के पास में एंड सेट डाउन और बैठ गया झिझकते हुए वापस वो टेबल पर गया और बैठ गया हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन यहाँ उसकी माँ सबके लिए कॉफ़ी
डाल रही थी कप में। साइलेंट बैक का मतलब है वॉक्ड बैक, वापस जाना, क्वाइटली चुपचाप, ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, कि कोई देखे ना और चुपचाप खिसक ले, इस तरह से। ही सेड, वो कहता है, माँ पास से आई कैन गो ब्रिंग बैक टू फान, मैं वापस जा सकता हूँ फ़ान को लेने के लिए। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, और उसका जो कॉफ़ी का पॉट था वो बीच हवा में रह जाता है, वो एकदम सदमे में आ जाती है कि क्या कह रहा है। वॉट फ़ान, कैसा फ़ान, कैसा मृक्षावक, द फ़ान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वो फ़ान, वो जिसकी माँ को हमने मारा है, वो हिरनी जिसके बच्चे को, जिसकी माँ को हमने मारा है, उसका बच्चा। वी यूज्ड द डो लीवर्स टू ड्रो आउट द पॉइजन, इम्पोर्टेंट है ये कि उसके पापा के जो को जो जहर निकालने के लिए मादा हिरनी के जो का लीवर यूज़ किया था, से पापा पापा को बचाने के लिए। शी गास्प्ड, वो बहुत दुख से आह भरती है और वो परेशान हो जाती है। वेल फॉर पीटी शेक, सिर्फ दया के लिए ठीक है। पास है पापा कहते इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, कि ये तो बहुत ही अकृतघ्नता होगी कि हम उसे मरने के लिए छोड़ दें, भूखे मरने के लिए। डॉक्टर डॉग का मतलब यहाँ डॉक्टर विल्सन सेट कह रहे हैं क्या, दैट्स राइट, कि बिल्कुल ठीक है मैम, नथिंग इन द वर्ड्स कम क्वाइट फ्री, इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। द बॉय राइट एंड हिज डैड्स राइट, यहाँ बच्चा भी ठीक है, सही कह रहा है, और उसके पापा भी सही है, मतलब ठीक है। मिल विल कहते हैं सैड, ही कैन राइड बैक विद मी, वो मेरे साथ जा सकता है, मेरे पीछे सवारी कर सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसकी मदद करूँगा उसे ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने पॉट को नीचे रख दिया निसाय होकर उसकी माँ ने। वेल ठीक है, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, यदि तुम इसे अपना दूध दे दोगे तो ठीक है, फिर वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास और कुछ नहीं इसको सिवाय दूध के इसको खिलाने के लिए। मिल विल सेड, मिल विल कहते हैं कम ऑन बॉय, लड़के आ जाओ, वी हैव गॉट टू गेट राइट, कि अब हमें चलना चाहिए। माँ बॉक्स्टर, माँ जोड़ी की माँ का नाम क्या है, बॉक्स्टर, आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है कि उसकी माँ का नाम बताओ। आस्क्ड एनेक्शियसली, परेशान होकर वो पूछती, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम ज़्यादा देर के लिए नहीं जा सकते। जोड़ी कहते आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, निश्चित ही मैं रात्रि भोज से पहले आ जाऊँगा। मेल विल माउंटेड, घोड़े पर बैठ जाते हैं, देख रहे हो आप पिक्चर में, हिज हॉर्स, अपने हॉर्स पर एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड, जोड़ी को अपने पीछे बिठा लेते हैं, खींच लेते हैं। ही सेड टू मिल विल, यहाँ पर जोड़ी ही कौन है, जोड़ी, जोड़ी मिल विल से कहता है, डू यू थिंक, क्या आपको याद है, द फान्स स्टिल देयर, क्या आप सोचते हैं कि फ़ान अभी भी वहाँ पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने के लिए। यहाँ पर कैरी विद अ वर्ड मीनिंग देखते हैं, एवरी विच वे का मतलब है इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में। वी फाइंड हिम, वी फाइंड हिम हिम इफ ही अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे यदि वह जिंदा है। हाउ यू नो, आप कैसे जानते हो, इट इज़ ही, कि वह ही है, मतलब मेल है, वो फान जो है ना, ही कौन है, फान, फन ही है, मतलब मेल है, नॉट फीमेल, तो तुम कैसे जानते हो, कौन कह रहा है, मिल विल पूछ रहा जोड़ी से। द स्पॉट वर ऑल इन अ लाइन, कि जो स्पॉट है ना उसके जो धब्बे गोल गोल वो लाइन में है, ऐसे मुझे पता लग रहा है कि वही है। ऑन द डॉग फान, जो डॉग डो फान होती है ना मादा हिरनी, जो बच्चे होते हैं, पास है पापा कहते हैं द स्पॉट्स आर वेरी एवरी विच वे, मतलब वो अलग अलग डायरेक्शन में फैले होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमने इसका पार्ट फर्स्ट पूरा किया। यदि आपको हिंदी ट्रांसलेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट सेकंड और थर्ड हम फिर से करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जोड़ी अब सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं स्टूडेंट। इस सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है ज़्यादा, थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा टफ लग सकता है आपको। यहाँ पर जोड़ी और मिल विल दोनों आ जाते हैं ढूंढने के लिए एक बिल्कुल साफ़ सुथरी अबंडेंट क्लियरिंग में, और वहाँ पर
मील विल को जल्दी ही वो अपने से साथ रखने के लिए अनिच्छुक हो जाता है। वो कहता है कि मैं अब इसको नहीं रखूँ क्योंकि अगर मुझे फ़ान नहीं मिला तो मुझे बहुत दुख होगा और ये निराशा मैं किसी को के साथ शेयर नहीं कर सकता, और यदि वो मुझे मिल गया तो मीटिंग इतनी सुंदर होगी कि मैं उसे भी दूसरे के साथ साझा नहीं कर सकता। इस तरह से जोड़ी मील विल को वहाँ पर से हटा देते हैं और उनसे कहते हैं आप जाइए, मुझे टाइम लग जाएगा। यहाँ पर जोड़ी देखता है सब तरफ से, मील विल उसे डायरेक्शन कुछ विशेष दिशा निर्देश देकर चले जाते हैं। यहाँ पर वो क्लियरिंग पर आता है, उस जगह पर वहाँ देखता है उसे गिद्ध मिलते हैं। गिद्ध हिरनी को खाने का प्रयास करते रहते हैं, खाते रहते हैं। जोड़ी टहनी उनको के ऊपर फेंकता है और वो वहाँ से चले जाते हैं गिद्ध। यहाँ पर जोड़ी अपने चारों पैरों से, हाथ पैरों से ज़मीन पर गिरकर देखता है और ढूंढने का प्रयास करता है, यही इस पार्ट में दिखाया गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से जोड़ी ने अपने आप को के विचारों को दे दिया, क्या कहा दिया, ओवर द थॉट ऑफ द फान, मतलब वो उस गेव हिम ओवर द थॉट्स का मतलब उसके विचारों में खो गया, फान के विचारों में। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, और दे मतलब मील विल के साथ था ना, तो उन्होंने उस परित्यक्त क्षेत्र को, उस साफ स्थान को से होकर निकले। ही सेड, उसने कहा, कट द नॉर्थ, नॉर्थ की ओर लें मील विल, इट वॉज अप, यही वो जगह है ऊपर की ओर। देट द पाक गोट बिटन बाई स्नेक, जहाँ पापा को स्नेक के द्वारा काटा गया था, एंड किल द डो को मारा गया था, एंड सा द फान, फान को देखा गया था। सडनली अचानक से जोड़ी वॉज अनविलिंग टू हैव मील विल विद हिम, अचानक से जोड़ी अनिच्छुक हो जाता है मील विल को अपने साथ रखने के लिए। इफ़ द फान वॉज डेड, यदि फान मर चुका था, कुड नॉट बी फाउंड, यदि वह नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो अपने निराशा को नहीं दिखा सकता था। एंड इफ़ द फान वॉज देर, यदि फान वहाँ पर था, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो जो मिलन होगा बहुत ही प्यारा होगा, एंड सो सीक्रेट, इतना रहस्यमय होगा, गुप्त होगा, डेट कुड नॉट बी एंड्योर टू शेयर इट, किसी के साथ बांटना सहन नहीं किया जा सकता था जोड़ी के लिए। जोड़ी ये सब कुछ सोच रहा था। ही सेड, उसने कहा, इट्स नॉट फॉर ना फार ना नाउ, ये अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्कर्ब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, कि जो झाड़ियाँ हैं, स्क्रब मतलब झाड़ियाँ, बहुत घनी हैं हॉर्स के लिए। इट आई कैन मेक इट ऑन फुट, और मैं अब आगे का रास्ता पैरों से चलूँगा, पैदल चलूँगा, ये घोड़े का रास्ता सही नहीं, आप रहने दो। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, मील विल कहता है, पर मुझे डर है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता लड़के। सपोज़ यू गोट लॉस, यदि तुम खो गए, गोट बिटन बाई स्नेक, यदि आपको सांप ने काट लिया, तो आई विल टेक केयर इट, मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फान, हो सकता है फान को ढूंढने में लंबा समय लगे, ये जोड़ी बोल रहा है मील विल से। इफ़ ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य, लीव मी, मुझे छोड़ दो, ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं पर छोड़ दो, ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, पर तुम इसे आसानी से लेना, मतलब ठीक से करना। यू नो, तुम जानते हो, नॉर्थ हियर, उत्तर दिशा इधर है, एंड ईस्ट, पूरब वहाँ पर है, देर एंड देर, यहाँ है, वहाँ है, इस तरह से बता रहे हैं। द टोल पाइन मेक्स अ बियरिंग, बियरिंग का मतलब है दिशा सूचक के रूप में, आपको डायरेक्शन के रूप में ये पाइन ट्री को लेना है। सो लॉन्ग, इतना लंबा है, सो लॉन्ग, इतना लंबा, मील विल कहता, आई एम ओबलाइज्ड, मैं कृतज्ञ हूँ, यहाँ आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेक अ बियरिंग का मतलब है एक्ट एज अ कंपास, कंपास के रूप में काम करना, हेल्प टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन, जो दिशा को ढूंढने में मदद करे। ही वेटेड, वो इंतज़ार करता है, फॉर अ साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, जो घोड़े के खुर है ना, उसके आवाज़ की ख़त्म होने का इंतज़ार करता है जोड़ी। देन कट द नॉर्थ, और तब वो राइट दिशा की ओर बढ़ता है। द श्रब वॉज स्टिल, जो झाड़ियाँ, स्क्रब्स मतलब झाड़ियाँ, वो स्टिल अभी भी शांत थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग्स ऑफ ट्विग्स साउंड्स अक्रॉस द साइलेंस, केवल जो उसकी ट्विग्स मतलब टहनी तोड़ने की जो आवाज़ है ना, वही चुप्पी को तोड़ रही थी।
ही वंडर उसे आश्चर्य हुआ फॉर एन इंस्टेंट एक क्षण के लिए इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन कि क्या उसने अपनी डायरेक्शन दिशा को गलत तो नहीं ले लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है जोड़ी, तभी क्या हो रहा है देखो यहाँ पर देन अ बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम तभी एक जो गिद्ध होता है उसके सामने से उठता है एंड फ्लैप्ड इन टू द एयर और वो अपने पंख हवा में फड़फड़ाता है। ही केम इन टू द क्लियरिंग वो उस स्पष्ट साफ सुथरी जगह पर आता है अंडर द ओक पेड़ के नीचे। बजार्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द काकस ऑफ डो जो बजार्ड्स हैं गिद्ध हैं वो सर्किल बनाकर उस डो के आसपास बैठे हैं उसके कंकाल के आसपास में। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कावनी नेक, स्कावनी नेक का मतलब पतली दुबली गर्दन को, लंबी गर्दन को वो मोड़ते हैं ऊपर उठाते हैं एंड हिस्ड एट हिम और उसकी तरफ फुफकारते हैं कौन बजार्ड्स। ही थ्रू हिज वो मतलब टहनी को फेंकता है एट देम उनकी तरफ एंड दे फ्लू इन टू द एडजेसेंट हिम और वो उड़कर पास के ही पेड़ पर चले जाते हैं कौन बजार्ड, बाजार की तरफ डो वो जो जोड़ी होता है टहनी को फेंकता है और बाजार उड़कर चले जाते हैं। द सेंट शोड लास्ट कैट प्रिंट जो रेत है वहाँ पर एक बड़ी बिल्ली के निशान दिखाई देते हैं दिए बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं यानी कि बाघ होते हैं वो ताज़ा जानवर को ही मारते हैं और फ्लैश को ही खाते हैं ताज़ा मांस को। दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियंस बर्ड्स और उन्होंने जो ये मांस खाने वाले पक्षी हैं उनके लिए उन्होंने इस डो को छोड़ दिया है जोड़ी ऐसा सोच रहा है। बजार्ड का मतलब है लार्ज बर्ड होते हैं लाइक द वल्चर गिद्ध के जैसे बड़े बड़े जानवर होते हैं। ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बार नियर बाई पास ही का और पार्टेड मतलब मूव पुश असाइड है ना साफ करना अलग हटाना। आगे चलते हम यहाँ देखते ही पार्टेड द ग्रास उसने घास को हटाया एट द प्लेस उस स्थान से वेयर ही हैड सीन द फान जहाँ उसने फान को देखा था। आई डिड नॉट इट डिड नॉट सीम पॉसिबल ये संभव नहीं था दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे कल ही की तो बात थी। द फान वॉज नॉट देयर वो फान वहाँ पर नहीं था ऐसा कैसे हुआ कि कल की बात है और आज फान वहाँ पर नहीं है। ही सर्कल द क्लियरिंग्स वो उस क्लियरिंग को साफ करता है देखता है वहाँ से देयर वॉज नो साउंड वहाँ पर कोई साउंड नहीं होता है उसके चारों ओर देखता है। नो साइन कोई चिन्ह भी नहीं है द बजार्ड्स क्रैक्ड देयर विंग्स जो गिद्धे क्लैक्ड अपने पंख फड़फड़ाए इम्पेशियंट्स अधीर होकर टू रिटर्न देयर बिजनेस वो अपने काम पर वापस जाना चाहते थे मतलब मांस खाना चाहते थे उस डो का वो वहाँ पर जाना चाहते थे। ही रिटर्न वो वापस आ गया टू द स्पॉट उस जगह पर वेयर द फान हेड इमस जहाँ की फान को उसने छोड़ा था देखा था एंड ड्रॉप्ड ऑन फोर फोर्स और अपने चारों हाथ और पैर को उसने ज़मीन पर गिरा दिया यानी कि वो लेट गया स्टडिंग द सेंड और उम रेत को देखने लगा फॉर द स्मॉल प्रिंट्स छोटे छोटे निशानों को देखने लगा खुर के निशानों का। द नाइट रेंस हेड वॉज अवे ओल्ड ट्रैक्स जो रात्रि की जो बारिश थी उसने सारे निशानों को साफ कर दिया था रोड के वहाँ पर मिट्टी के निशानों को एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड सिवाय वहाँ पर उन बिल्लियों के बिल्ली के निशान थे और बजार्ड्स के निशान थे बाकी सब निशानों को धो दिया। स्टूडेंट यहाँ पर हमने सेकेंड पार्ट कर दिया हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की ओर।